31 अक्टूबर 2022 को रात में 12:58 पर बुध मकर राशि से निकलकर धनु राशि में वक्री गोचर करने वाले। बुध का धनु राशि में होने वाला वक्री गोचर वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव डालेगा और इस वक्री गोचर को वृश्चिक राशि के जातक अपने लिए क्या कार्य कर शुभ कर सकते हैं, इन सब विषयों पर हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहें और जो नए व्यूअर्स चैनल पर हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वक्री बुध का वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव रहने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए बुध 8वें और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस वक्री अवस्था के दौरान वह आपके धन बचत संवाद कुटुंब और वाणी के द्वितीय भाव पर बुध वक्री गोचर करने वाले हैं। पेशेवर रूप से देखा जाए तो आपके पेशेवर क्षेत्र में लक्ष्य थोड़ा देरी से प्राप्त हो सकते हैं जिसके कारण आप हो सकते हैं निराश हो। हो सकता है आपको इस समय अवधि के दौरान मानसिक तनाव परेशान करे। यदि आप खुद का व्यवसाय चला रहे तो आपके प्रतिद्वंदी आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा देंगे जिसके कारण आप अपने व्यवसाय क्षेत्र में परेशान हो सकते हैं। साथ ही वक्री बुध के गोचर की अवस्था में आपको अपने जीवन साथी के साथ सोच समझकर बात करनी होगी और सावधानी बरतनी होगी क्योंकि आपके द्वारा की गई वार्ता से कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। साथ ही आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी वक्री बुध बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आपको इस समय अवधि में अपनी आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा क्योंकि यह वक्री अवस्था आंखों से संबंधित कोई समस्या आपको इस समय अवधि में दे सकती है। बुध के इस वक्री गोचर को शुभ करने के लिए ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें और भगवान गणेश में दूर्वा अर्पित करें। तो यह था वक्री बुध का वृश्चिक राशि पर पड़ने वाला प्रभाव। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।